प्लीज लेट मी नो प्रोटीन फोल्डिंग क्या होती है और प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में आप क्या जानते हैं एक बार मुझे बताइए, फिर हम ये टॉपिक शुरू करेंगे प्रोटीन फोल्डिंग का। यहाँ पर इस टॉपिक में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट व्यू बताऊंगा प्रोटीन फोल्डिंग का। इट इज़ नॉट लाइक व्हाट यू स्टडी इन मॉलिकुलर बायोलॉजी, इट इज़ नॉट लाइक व्हाट यू स्टडी इन सेल बायोलॉजी, बिकॉज आप शायद मॉलिकुलर बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन्स दे आर प्रोड्यूस्ड इन विच प्लेस, कहाँ पर बनते हैं प्रोटीन्स, सिंथेसिस कहाँ होती है? प्लीज आंसर मी, यू हैव mRNA फिटेड इनटू राइबोसोम एंड दैट राइबोसोम सिंथेसाइज मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स, राइट? ये बात ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये प्रोटीन बनने के बाद दे एंटर इनटू द ल्यूमन ऑफ ER, ये ER की ल्यूमन है, और इससे वो कई बार गोल्जी बॉडी में भी जाते हैं और गोल्जी बॉडी में उनकी प्रोसेसिंग होती है विच इज द साइट ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। ओके, सो दैट्स द प्रोसेस यू विल स्टडी इन सेल एंड मॉलिक्युलर बायोलॉजी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स वीवो सिचुएशंस। हम एक्स वीवो की बात करेंगे आज, मतलब जब प्रोटीन फोल्ड होते हैं तो क्या उनकी फोल्डिंग, अगर एक नॉर्मल ग्लास या बीकर में आप अनफोल्डेड प्रोटीन को डाल देते हैं तो वो फोल्ड होगा कि नहीं होगा, अगर फोल्ड होगा तो कितना टाइम लगेगा, किन चीजों पर उसकी फोल्डिंग डिपेंड करेगी, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन बातों को डिस्कस करने से पहले एक चीज जो आपको जानना जरूरी है, वन थिंग दैट यू नीड टू नो इज, यू नीड टू नो दैट देयर इज अ स्टेट ऑफ प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज अनफोल्डेड स्टेट एंड अनदर स्टेट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज फोल्डेड स्टेट। And generally, when the protein is perfectly folded, which is meant for its biological activity, that state is referred to as native state. Okay? So, aap mujhe kya kahenge? Native state kya hoti hai? Can you reply me? What is native state of a protein? Please answer. Native state kise kehte hain? Answer nahi aa raha hai mujhe. इंटरेक्ट करना पड़ेगा आपको। यस सर। हाँ तो फिर बताइए, मैंने आपको बताया ना नेटिव का मतलब क्या होता है। आपसे कोई पूछता है आप कहाँ के नेटिव हो तो इसका क्या मतलब होता है, आपका ओरिजिनल प्लेस क्या है, आपका घर कहाँ है, आपका गांव कहाँ है, आपका शहर कहाँ है, वो होता है ना नेटिव का मतलब। तो नेटिव मीन्स जो जहाँ पर मिलता है, जिसका जहाँ पर ओरिजिन या एग्जिस्टेंस होता है, वहाँ पर कोई चीज किस फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट फॉर्म इज नोन एज नेटिव स्टेट। So native state is the folded state of protein which is biologically active or biologically functional. Okay? So it does not mean that every folded protein will be in native state. Har folded protein native state mein ho, ye zaruri nahi hai. Lekin ek baat zaruri hai, wo ye ki native state kisi bhi protein ki usually ek hi hoti hai. Every protein will have a single native state jis par wo exist karta hai, uski ek form hogi जिस पर वो अपना काम करता है। तो प्रोटीन फोल्डिंग समझने के लिए कि प्रोटीन फोल्डिंग कैसे होती है, किन फैक्टर्स पर प्रोटीन फोल्डिंग डिपेंड करती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि फोल्डिंग के लेवल्स क्या क्या होते हैं, कितने लेवल्स में प्रोटीन फोल्ड हो सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, इन सब का क्या मतलब है। इन चीजों को समझने से पहले हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं आज, और वो दो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ। प्रोटीन फोल्डिंग की जो जानकारी थी वो सबसे पहले कहां से हमें मिली, किस बेसिस पर हम प्रोटीन फोल्डिंग को डिफाइन करते हैं, और क्या क्राइटेरिया होता है प्रोटीन फोल्डिंग का, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड एनफिनसंस डॉगमा और एनफिनसंस हाइपोथेसिस, राइट? इसके बिना प्रोटीन फोल्डिंग अधूरा है। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री में ये नहीं पढ़ा तो इसका मतलब प्रोटीन फोल्डिंग आपकी अधूरी रह गई। सो दिस एनफिनसंस डॉगमा ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ हाइपोथेसिस दैट वाज गिवन बाय क्रिश्चियन एनफिनसन ही वाज अ नोबेल लॉरिएट इन केमिस्ट्री एंड
1972 का नोबेल प्राइज इन्हें मिला था केमिस्ट्री में, और इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी. ही सेड दैट इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन फोल्डिंग इज एक्चुअली प्रेजेंट इन इट्स सीक्वेंस, स्पेशली फॉर स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन्स. तो क्या इस डॉगमा का समरी क्या था? इंफॉर्मेशन फॉर फोल्डिंग ऑफ स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन्स लाइज इन देयर सीक्वेंस. कहां पर होती है? उनके सीक्वेंस में ही जानकारी होती है. यानी कि एक प्रोटीन, उसका कुछ सीक्वेंस है, लाइक इट्स EVLMNKOPS. सो दिस इज द प्रोटीन सीक्वेंस. देन द वे इट विल फोल्ड, ये जिस तरह से फोल्ड होगा, द इंफॉर्मेशन फॉर द फोल्डिंग इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन दिस सीक्वेंस. इफ दिस सीक्वेंस इज प्रेजेंट एल्सवेयर, ये किसी और जगह भी सेम सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो वहां भी उसी तरह की फोल्डिंग होगी. आपको समरी समझ में आई? ये बात समझ में आई कि प्रोटीन फोल्डिंग की जो जानकारी होती है वो कहां पर एग्जिस्ट करती है? दैट इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन सीक्वेंस इटसेल्फ. दैट्स वन थिंग. नाउ हाउ ही वाज एबल टू प्रूव इट? अ वेरी एलिगेंट एक्सपेरिमेंट व्हिच ही डिड. एक बहुत ही एलिगेंट एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया. तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि एनफिनसन का एक्सपेरिमेंट क्या था. सो एनफिनसन्स एक्सपेरिमेंट बिगन विद a protein called ribonuclease. Okay, ribonuclease A naam ka ek protein inhone liya, and the fact about this ribonuclease protein was it was containing 8 cysteines in it. Isme kya tha? 8 cysteines the, and those 8 cysteines were making disulfide bonds with each other. Can you see this picture? Let me number them 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay, let me write 5 here and 6 here. So the fact about this protein was there are 8 cysteines which form 4 disulfide bonds, and that is the essential component of its folding. ये इसकी folding का एक बहुत ही important component है, वो यहाँ पर एक बात थी. So what he started with, इन्होंने क्या किया इस experiment में? They treated this particular protein with two reagents, urea and mercaptoethanol. तो आप मुझे बताएंगे urea से क्या होगा और mercaptoethanol से क्या होगा? अगर आप यूरिया डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, मर्केप्टोथेनॉल से क्या होगा? जल्दी से बताइए, क्विकली टेल मी. सर मर्केप्टोथेनॉल से शायद डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे. ओके, सो यू नो दैट दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इट विल ब्रेक एसएस बॉन्ड्स. व्हाट विल यूरिया डू? यूरिया क्या काम करेगा? It's a very good denaturing agent. Urea क्या है? Denaturing agent है. जैसे SDS है, ऐसे ही आप urea भी समझ सकते हैं. Denaturing agent है. It has a chaotropic mechanism by which it is capable of breaking down weak interactions of the protein, and therefore it denatures the protein. So when the protein is denatured, I would say that this is turned into a non-functional form or a denatured form. This turned into denatured state. And of course, there were 8 cysteines still present. 8 cysteines mein abhi bhi the. But those 8 cysteines were not making any disulfide bond at this point of time. So obviously baat hai ki agar ye ek tube mein rakha hota aur us tube mein aap enzymatic activity measure karte, to initially yahan par 100% enzymatic activity aapko dekhne ko milti. लेकिन जब आपने इस प्रोटीन को डिनेचर कर दिया, और डिनेचर करने के बाद अगर आपने दोबारा, इफ यू स्टार्टेड लुकिंग एट द एक्टिविटी, सो
no activity or maybe some residual activity is there, agar kuch protein bach gaye honge, to less than 1% activity was remaining, itni activity wahan par wapas bachi hogi, right? ये तो एक बेसिक सी बात थी, आप सब जानते हैं कि ऐसा ही होगा, प्रोटीन को डिनेचर कर दोगे तो वो अपनी फॉर्म लूज कर देगा, और फॉर्म लूज कर देगा तो उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, और ये फॉर्म क्या कहलाएगी, क्योंकि ये फुली फंक्शनल फॉर्म थी और ये फुली फोल्डेड फॉर्म थी, तो इसको कहा गया नेटिव फॉर्म। अब नेटिव से जब डिनेचर हुआ तो एक्टिविटी खत्म हो गई, फिर इसके बाद इन्होंने ट्राई किया, लेट अस सी कैन वी रिगेन दिस होल थिंग बैक, क्या हम वापस इसकी एक्टिविटी को ला सकते हैं, प्रोवाइडेड इफ वी रिमूव मर्केप्टोथिनोल एंड यूरिया। आप यूरिया रिमूव कर दीजिए, आप मर्केप्टोथिनोल को रिमूव कर दीजिए, अगर आप यूरिया और मर्केप्टोथिनोल को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, जो जो इसने काम किया था वो वापस रिवर्ट हो जाएगा। यूरिया को कैसे रिमूव कर सकते हैं, यू कैन डू डायलिसिस, आप इस सैंपल का डायलिसिस कर दीजिए, यूरिया निकल जाएगा, और मर्केप्टोथिनोल क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो अगर आप इसमें ऑक्सीजन इन्फ्यूज कर दें, अगर आप इस सैंपल में ऑक्सीजन डाल दें तो मर्केप्टोथिनोल का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, मीन्स प्रोटीन विल बी अगेन रीनेचर्ड एंड अगेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड। एग्री, यस और नो बताइए, हाँ या ना? अगर आप मर्केप्टोथिनोल का इफेक्ट खत्म कर देते हैं, यूरिया को रिमूव कर देते हैं, तो डोंट यू थिंक द प्रोटीन विल बी फोल्डेड बैक, प्रोटीन वापस फोल्ड हो जाएगा एंड अगेन यू विल गेन द एक्टिविटी अप टू 99%। सो दिस इज व्हाट एनफिंसन ऑब्जर्व्ड, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इफ यू रिमूव यूरिया बाय डायलिसिस एंड इफ यू डू रिमूवल ऑफ मर्केप्टोथिनोल और डू रिमूव दैट इफेक्ट बाय ऑक्सीजन एडिशन, यू कैन रीगेन द एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, 100%, almost 100% activity of the protein. That means proteins are readily denaturable and renaturable. Protein folding and unfolding is a reversible process unless it is broken down completely to hydrolysis. Agar peptide bond hi toot jayenge, tab fir wo kaam nahi karega. But otherwise, that's a reversible process. Toh ye baat samajh aayi aapko, mujhe bataiye. Yes or no? Yes, sir. Okay. So after this, इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, सिर्फ इतना ही नहीं, he took this sample, इस सैंपल को उन्होंने लिया, और इस सैंपल को लेने के बाद he sequentially removed two things, एक साथ दोनों चीजें रिमूव नहीं की, he removed mercaptothenol but he did not remove urea. mercaptothenol को रिमूव कर दिया लेकिन यूरिया अभी भी प्रेजेंट था, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या इमेजिन करोगे कि आपने मर्केप्टोथिनोल का इफेक्ट हटा दिया बाय एडिंग ऑक्सीजन एंड यू स्टिल हैव यूरिया इन द सैंपल, सो व्हाट डू यू गेस व्हाट विल हैपन, एनीवन प्लीज, क्या प्रोटीन फोल्ड होगा या नहीं होगा, बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, आपके एग्जाम के क्वेश्चन भी इस पर आएंगे, तो मुझे बताइए कि व्हाट विल हैपन If you just remove mercaptothenol, but you still have urea, तो protein denature रहेगा लेकिन disulfide bond बनना शुरू हो जाएंगे, agree करते हैं मेरी बात से, you agree with me or not? Yes. Just what will happen if you remove mercaptothenol and if you keep urea in that? So keeping urea there, यूरिया को अभी भी आपने वहां पर रखा है, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेजेस, डाइसल्फाइड लिंकेज आपकी बनना शुरू हो जाएंगी लेकिन प्रोटीन का जो वीक इंट्रैक्शंस है वो अभी भी नहीं बनेंगे, सो यू कैन से दैट विल बी इन द पार्शियली डिनेचर्ड स्टेट, प्रोटीन अभी भी डिनेचर्ड रहेंगे बट SS बॉन्ड विल स्टार्ट फॉर्मिंग, राइट? नाउ इंटरेस्टिंगली इसके बाद जब उन्होंने अगला स्टेप किया, अगले स्टेप में अब उन्होंने यूरिया को भी रिमूव कर दिया, यूरिया वाज आल्सो रिमूव्ड, दैट मींस दे नाउ अलाउड प्रोटीन टू फोल्ड प्रॉपरली, सो व्हेन द प्रोटीन फोल्डेड, अब जब प्रोटीन फोल्ड हुआ, सो दे डिड नॉट रिगेन 100% एक्टिविटी, बट कितनी एक्टिविटी रिगेन हुई, केवल 1%,
ओनली 1% एक्टिविटी वॉज रिगेन्ड. तो आपको पूरा एक्सपेरिमेंट समझ आया, जो प्रोटीन था ओरिजिनल प्रोटीन उसको आपने लिया, यूरिया डाल दिया, मरकैप्टोथिनोल डाल दिया, तो एक्टिविटी पूरी लूज हो गई. फिर आपने यूरिया रिमूव कर दिया, मरकैप्टोथिनोल रिमूव कर दिया, वापस एक्टिविटी रिगेन हो गई. मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिनेचुरेशन रिनेचुरेशन इज रिवर्सिबल. बट व्हेन यू फर्स्ट रिमूव्ड द मरकैप्टोथिनोल एंड यू अलाउड द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स and after that you removed urea, only 1% activity was regained. क्या मुझे कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? Does anyone of you have any answer, any explanation for what Enfinson got his experiment? Any idea? I'll be happy to know. Anyone, please tell me. कि ऐसा क्यों हुआ जब सिक्वेंशियली पहले मरकैप्टोथिनोल बाद में यूरिया रिमूव किया तो केवल 1% एक्टिविटी रिगेन हुई, जबकि पिछले केस में 100% एक्टिविटी ऑलमोस्ट रिगेन हो गई थी 99% के करीब. आंसर दीजिए आप लोग, चुप नहीं बैठना है, प्लीज जल्दी बताइए. आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज. नहीं बताएंगे, वेरी डिसअपॉइंटिंग. पढ़ाई नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप लोग. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू. मैं आपको आंसर देता हूं. इसका आंसर यह है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हेन द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स वर बीइंग फॉर्म्ड बट प्रोटीन वाज स्टिल इन द डिनेचर्ड स्टेट, द पोजिशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स वर रैंडम. जहां इनको जुड़ना चाहिए था, क्योंकि देखो 8 सिस्टीन है, तो ओरिजिनल नेटिव प्रोटीन में पहला वाला सिस्टीन कौन से सिस्टीन से डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएगा ये फिक्स्ड है, दूसरा सिस्टीन कौन से सिस्टीन के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएगा ये फिक्स्ड है, मतलब उनके जो फेट है वो फिक्स्ड है. बट जब आपने ये प्रोसेस किया इन द डिनेचर्ड स्टेट, व्हेन यू अलाउड द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, देन द प्रोसेस वॉज मेयर रैंडम. ये एक रैंडम प्रोसेस था और कोई भी सिस्टीन किसी भी सिस्टीन से डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने लगा और उसकी वजह से कई सारे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट हुए. इस पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस डेवलप किए जा सकते हैं. लेट्स से आई टेल यू दैट देर आर 8 सिस्टीन्स इन दिस पर्टिकुलर प्रोटीन. 8 सिस्टीन है और मैंने यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं 8 सिस्टीन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now, if I ask you a very basic question, कि एक प्रोटीन में 8 सिस्टीन है and you allow them to make disulfide bonds randomly, आप एक प्रोटीन के अंदर allow करते हो कि randomly कोई भी disulfide bond बन जाए, तो कितने तरह के combinations आप create कर सकते हैं? How many type of proteins you can create by this process? So it's quite simple, a mathematical probability based question और combination based question. आप मुझे बताइए कि पहला वाला जब 16 bond बनाएगा तो उसके पास कितने option होंगे? How many options does this first 16 has? Please answer. इसके पास bond बनाने के कितने chances हैं? कितने तरह से bond बना सकता है ये? Answer me please. Seven. यानी कि ये इससे इंटरेक्ट कर सकता है, एक तरह का बॉन्ड बन गया. ये इसके साथ बना सकता है, 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 या फिर इसके साथ बना सकता है. राइट, सो द फर्स्ट 16 हैज गॉट 7 पॉसिबिलिटीज. लेकिन एक बार अगर इसने डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लिया, मान लो इसके साथ फिक्स कर दिया इसने अपना पोजिशन, ये बन गया डाइसल्फाइड बॉन्ड, अब दूसरे के पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? How many possibilities are left with another one? बताइए, आंसर दीजिए. जब एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया तो नेक्स्ट वाले 16 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? How many possibilities does it have? It can either form bond with this. So five. Form, yes, 2, 3, 4 and 5. So second one has how many possibilities? 5 possibilities.
इसने भी बॉन्ड बना लिया इसके साथ मान लो। अब थर्ड वन इसकी बारी आई, ये कितने तरह से अब इसके पास ऑप्शन बचे, एक इसके साथ या एक इसके साथ। तो अगले वाले के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटीज। एंड फाइनली इफ यू से कि इसने भी बॉन्ड बना लिया, तो लास्ट वाले के पास कितनी पॉसिबिलिटीज बची, ओनली 1 पॉसिबिलिटी। सो व्हेन देयर आर बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स एंड दे आर रेंडमली मेकिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रोवाइडेड दैट देर आर 8 सिस्टीन्स इन इट, प्रोवाइडेड कि उसमें 8 सिस्टीन है, तो कुल इतने तरह के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन, यू कैन से 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, दिस विल बी द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस व्हिच यू कैन क्रिएट बाय रैंडम डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। सो व्हाट विल बी द आउटकम, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 5 3 15 इंटू 7 105 types. Is that right? Yes or no? Say me yes if you agree with me. 105 tarah ke alag alag structure banenge. Matlab ye wali jo situation thi, in this situation, when you are letting the protein to make disulfide bonds on its own, you will have 105 different types of proteins. 105 तरह के अलग अलग प्रोटीन्स आपको यहां पर मिलेंगे। नाउ आउट ऑफ दीज 105 टाइप्स ओनली वन विल बी नेटिव, एक ही नेटिव प्रोटीन होगा। एग्री करते हो मेरी बात से, बताइए यस और नो। नेटिव प्रोटीन इज ऑलवेज ऑफ वन टाइप। सो यस सर, इफ यू आर हैविंग 105 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन एंड ओनली वन इज नेटिव, तो एक ट्यूब में जिसमें ये पूरा एक्टिविटी हो रही है, उस ट्यूब में आप नहीं कह सकते हो कि 105 पार्ट्स में से एक पार्ट एक्टिव है और बाकी सारे इनएक्टिव हैं। सो डोंट यू थिंक इट इज जस्ट 1%, रफली 1%, मतलब 1 से भी थोड़ा कम कह सकते हैं हम, इट इज नियरली 1% एक्टिव, क्योंकि 100 में से एक ही तो एक्टिव है, या टू बी मोर प्रिसाइज 105 में से एक एक्टिव है, तो रफली 1% ही तो एक्टिव होगा इस सैंपल के अंदर। इसलिए एनफिंसन को इस एक्सपेरिमेंट के दौरान 1% एक्टिविटी में रिगेन हुआ। सो दिस इज व्हाट ही कंक्लूडेड विद। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि जो प्रोटीन फोल्डिंग है, प्रोटीन फोल्डिंग इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन प्रोटीन सीक्वेंस, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन हमने किस बेसिस पर की, ये सारी हाइपोथेसिस हमने किस बेसिस पर दी, कि there is a particular order of molecules, there is a particular sequence of molecules which defines the protein folding. If you change the route, if you change the pattern, the way they interact together, the protein folding is going to change. So this whole dogma, this whole hypothesis was proven by this experiment, which also fetched Christian Anfinsen a Nobel Prize in the chemistry. So any questions here with the Anfinsen hypothesis? Koi question aapko is bare mein? And this is the very popular question that appears in most of your exams. If you are exam oriented, आपको ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। ये कई बार पूछा गया है। हो सकता है कि कई बार number of cysteine बढ़ा दिया जाए। इसमें 8 की जगह अगर आपसे 10 cysteine बोले जाएं, तो कितनी probabilities होंगी? Can you just count? If there are 10 cysteines in a protein, and if you do the same experiment, what will be the percentage activity that you will regain at the end? So for 10 cysteines, you will have 9 into 7 into 5 into 3 possibilities. For 6 cysteines, you will have 5 into 3 into 1. That means 15 possibilities. So you should be able to calculate the number of possible structures that will originate at this level when you keep the protein denatured, but in the oxidized state, unreduced state, to favor the formation of disulfide bonds. कोई क्वेश्चन यहाँ पर, कोई बात समझ ना आई हो आप लोगों को? अगर सब समझ आ गया तो मुझे बताइए, मैं आगे चलता हूँ फिर। प्लीज आंसर मी अगर सब समझ आ गया तो। यस सर। आगे चले? यस सर। ओके। अब बात आती है कि हाउ मच टाइम डज प्रोटीन फोल्डिंग टेक, प्रोटीन फोल्डिंग को कितना टाइम लगता है, कितना उसमें वर्क कितना समय लगता है प्रोटीन फोल्डिंग में।
इसकी बात करते हैं. सो दिस वॉज वर्कड आउट बाई अनदर साइंटिस्ट. ये जो पॉसिबिलिटी है कि प्रोटीन फोल्डिंग को कितना टाइम लगना चाहिए, इसकी एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन जो थी वो एक साइंटिस्ट ने की थी नेम्ड लेविंथल समवेयर अराउंड 1969 में. ही परफॉर्म्ड सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन और इन्होंने कहा कि अगर एक पेप्टाइड बनता है, प्रोटीन बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पेप्टाइड, अ पॉलीपेप्टाइड इज फॉर्म्ड बाय अमीनो एसिड्स विच वी कॉल रेजिड्यूज, जिनको हम रेजिड्यूज कहते हैं. एंड एट ईच रेजिड्यू, लेट अस से दिस इज अ पेप्टाइड लिंकेज, सो यू हैव टॉर्जन एंगल्स, इनकी रोटेशन हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऑफ रोटेशन इज देयर. देयर आर बॉन्ड्स विच आर कॉल्ड एज साई एंड फाई विच वी विल डिस्कस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये हर एक अमीनो एसिड के लेवल पर, हर एक रेजिड्यू के लेवल पर, आई विल से दैट देयर आर, लेट अस से, थ्री स्टेबल कॉन्फिगरेशंस, और आई वुड यूज द वर्ड कॉन्फर्मेशंस. ओके, थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आप कि जब एक प्रोटीन फोल्ड हो रहा है या कोई अपना फोल्डेड स्टेट एक्वायर कर रहा है, तो उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, और हर अमीनो एसिड फोल्ड होने का मतलब है कि वो एक एंगल पर उसकी बैकबोन मुड़ रही है, टर्न हो रही है, राइट? एंड दैट टर्निंग इज बेसिकली डिफाइंड और डिटरमिंड बाय दीज सेट ऑफ एंगल्स विच आर कॉल्ड एज टॉर्जन एंगल्स. टॉर्जन एंगल्स जो होते हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर आप जानना चाहते हैं टॉर्जन एंगल के बारे में, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो इस तरह से बनता है. You have alpha carbon contributed by one amino acid, then another alpha carbon contributed by another amino acid. So I will say on this side, this is your one amino acid. ये एक amino acid ने contribute किया है, और ये वाला part दूसरे amino acid ने contribute किया है. This is AA2 and this is AA1. ठीक है, तो इस तरह से एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सी, एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, ये दोनों कंडेंस होते हैं एंड दे मेक समथिंग. वो ये बीच वाला पार्ट बनाते हैं जिसको आप कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज. क्योंकि ये बॉन्ड थोड़ा सा डीलोकलाइज हो जाता है, इसलिए ये रोटेटेबल नहीं होता है, लेकिन ये पूरा का पूरा पेप्टाइड स्ट्रक्चर जो है ये अक्रॉस दीज बॉन्ड्स, इनके अक्रॉस यहाँ रोटेशन हो सकता है. तो जो पेप्टाइड शेप एक्वायर करती है, जो कॉन्फर्मेशन एक्वायर करती है, आप बाद में पढ़ेंगे कि हेलिकल शेप ले लिया, उसने शीट्स बना लिया, उसने टर्न्स बना लिए, तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं बैकबोन की फोल्डिंग से, ये बेसिकली इस एंगल पर रोटेशन की वजह से होते हैं कि यहाँ पेप्टाइड कितना घूम पा रही है. सो दिस सी अल्फा एंड सी बॉन्ड, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज साई टॉर्जन एंगल एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज फाई टॉर्जन एंगल. तो ये टॉर्जन एंगल्स होते हैं. अब कोई पेप्टाइड अगर कोई शेप लेने वाली है, सपोज दिस इज अ लीनियर सीक्वेंस, दिस इज गोइंग टू फोल्ड इनटू अ स्पेसिफिक शेप, देन एवरी अमीनो एसिड मस्ट हैव अ स्टेबल अरेंजमेंट और स्टेबल एंगल जहां पर वो स्टेबली रुक सकता है. तो लेविंथल ने क्या कहा, लेविंथल ने ये बोला कि लेट अस डू अ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन. हम एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं दैट There is 100 amino acid peptide. एक पेप्टाइड है जिसमें 100 अमीनो एसिड्स हैं, और हर अमीनो एसिड तीन एंगल्स या तीन टिल्ट जो है वो स्टेबली बियर कर सकता है. मतलब ये ऐसे मुड़ सकता है, ऐसे मुड़ सकता है, ऐसे मुड़ सकता है, तीन एंगल्स पर, तीन पोजीशंस पर ये स्टेबल है. सो अनदर अजम्पशन वॉज एवरी अमीनो एसिड हैज three stable conformations. So there is another probability based question. इस fact के basis पर एक दूसरा probability based question बनता है, वो ये कि अगर एक 100 amino acid लंबी peptide है और हर amino acid के तीन possible conformations हैं,
तो टोटल कितने तरह के प्रोटीन कॉन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, मतलब वो फोल्ड होने पर कितने तरह के प्रोटीन्स का शेप एक्वायर कर सकता है, कितने अलग अलग शेप वाले प्रोटीन बन सकते हैं, इसका आंसर आप देंगे? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों के, बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सो कैन यू टेल मी दैट, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स यू कैन गेट इफ यू हैव 100 रेसिड्यूज इन अ पेप्टाइड and every residue has got 3 possible stable conformations. Answer me please. अगर आपने थोड़ा मैथ्स पढ़ा है तो कुछ इस तरह से समझ लीजिए, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपके पास एक येलो बॉल है, एक एक टोकरी में येलो बॉल्स पड़ी हैं, एक टोकरी में रेड बॉल्स पड़ी हैं आपके पास, और एक टोकरी में आपके पास ग्रीन बॉल्स पड़ी हैं, ग्रीन मेजेंटा एंड येलो। तो अलग अलग टोकरियों में बॉल्स पड़ी हैं और आपको बॉल्स को जोड़ के एक स्ट्रिंग बनाना है, राइट? मान लो 10 बॉल्स का एक स्ट्रिंग बनाना है और आपको कोई भी चूज कर सकते हो, कोई भी बॉल, तो कितनी तरह के स्ट्रिंग्स बना सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ा है तो आप आंसर कर सकते हो, मुझे बताइए। चुप नहीं रहना है, बोलना है, फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। या तो आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, और समझ आप आ रहा है तो आंसर दीजिए। अंजलि एंड रितु, यस सर, हाँ आप आंसर दीजिए, या फिर समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक टोकरी है उसमें येलो बॉल्स पड़ी हैं, दूसरी टोकरी में ग्रीन बॉल्स पड़ी हैं, चौथी तीसरी टोकरी में रेड बॉल्स पड़ी हैं, और आपको एक स्ट्रिंग बनाना है 5 बॉल्स का, तो कितने तरह के स्ट्रिंग बन सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि आप रेड 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 कर दें, या रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन बना दें, या रेड ग्रीन येलो बना दें, है ना? तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे आप? अगर 5 बीड्स का आपको 5 बॉल्स का स्ट्रिंग बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो हर जगह आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी है, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3, इतने तरह की बॉल्स बन सकती हैं, इतने तरह के स्ट्रिंग्स बन सकते हैं आपके। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में भी आप क्या कह सकते हैं, इफ देयर इज, अगर यहाँ पर मैं आपसे बात कहता हूँ, इफ देर आर 100 रेजिड्यूज इन अ पेप्टाइड, अगर एक पेप्टाइड में 100 रेजिड्यूज हैं, तो 100 रेजिड्यूज की अगर आपको एक पेप्टाइड का शेप डिटरमिन करना है, वो कितने तरह के शेप बना सकता है, इन दैट सिचुएशन यू विल हैव टू टेल मी व्हाट विल बी योर आंसर इफ एवरी अमीनो एसिड कैन एक्वायर 3 पॉसिबल कॉन्फर्मेशन। सिंपल सी बात है, 3 raised to power 100, ओके? सो you can have a general formula, x raised to power y, number of stable conformations, number of stable conformations of each amino acid or residue, and what is y, y is the number of amino acids in a peptide. All right, so we can use this formula here. हर एक अमीनो एसिड के 3 पॉसिबल स्टेट थी, और हर एक अमीनो एसिड जो है वो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने हैं, 100 हैं, तो इतने पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशंस एक प्रोटीन के हो सकते हैं। दिस कैन बी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशंस दैट अ प्रोटीन कैन एक्वायर इफ दिस इज द गिवन स्टेट। ये 11th की बेसिक कैलकुलेशन थी। तो अब मुझे बताइए अपने कैलकुलेटर में 3 raised to power 100 कितना होता है। जस्ट डू दैट एक्सरसाइज फॉर योरसेल्फ, टेल मी द साइंटिफिक वैल्यू, कैलकुलेट दैट, और लेट मी डू इट फॉर यू।
सो डिड यू गेट 3^100 कितना होता है? 3^100 इज 5.15 इंटू 10^47. Now what does that mean? क्या मतलब है इस बात का? तो इस बात का ये मतलब है कि 5 × 10^47 के approximately अलग अलग conformations एक peptide acquire कर सकता है, जिनमें से केवल एक only one will be the native conformation. Did you get this point? इतनी बात आपको समझ आई कि 5 × 10^47 structures में से केवल एक जो है that will be native conformation. Right? तो एक प्रोटीन को कितना टाइम लगेगा फोल्ड होने में अगर उसको ये सारे स्ट्रक्चर्स चेक कर करके देखने हो? मान लो कि हम ये बात करें कि प्रोटीन फोल्ड होना स्टार्ट हुआ और वो अपने सारे पॉसिबल कॉन्फर्मेशन जितनी भी प्रोबेबिलिटी है वो सबको एक एक करके बना के देख रहा है, जो अनस्टेबल है वो खत्म हो जा रहा है, फिर नया स्ट्रक्चर बन रहा है, और जो स्टेबल है, जो नेटिव कॉन्फर्मेशन है, केवल वही आके रुक जा रहा है. तो कितना टाइम लगना चाहिए टोटल? तो अगर हम दुनिया की फास्टेस्ट रिएक्शन, फास्टेस्ट पॉसिबल प्रोसेस भी लेकर चले, जो थ्योरेटिकली सबसे तेज है, दैट इज 10^10 स्ट्रक्चर्स पर सेकेंड. ओके, अगर डिफ्यूजन की रेट से भी हम ये मानकर चलें कि दुनिया की सबसे तेज रिएक्शन हो रही है प्रोटीन फोल्डिंग के टाइम पर और वो एक एक करके स्ट्रक्चर्स को चेक कर रहा है, तो एक 100 अमीनो एसिड के प्रोटीन को फोल्ड होने में कितना टाइम लगेगा वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट टाइम विल बी 5 × 10^47 स्ट्रक्चर उसको स्कैन करने हैं और 10^10 स्ट्रक्चर पर सेकेंड वो स्कैन कर रहा है. तो कितने सेकेंड लगे? 5 × 10^37 seconds, right? इस second को आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 से डिवाइड करके, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, फर्दर 60 से डिवाइड करके, आवर्स को आप डेज में कन्वर्ट कर लीजिए 24 से डिवाइड करके, और 365 से डिवाइड करके, ये जो सेकेंड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ईयर्स में. ओके, दिस विल कन्वर्ट इन टू years. So can you do a simple calculation for me? क्या आप एक simple calculation कर सकते हैं? That means 5/60, further divided by 60, further divided by 24, and further divided by 365. So you get somewhere 1.6 × 10^7. Okay. So what is the total answer? You get 7 get cancelled by 37, so this remains 30. So 8 × 10^30 years. Can you believe this? Can you believe this? एक प्रोटीन को फोल्ड होने में अगर वो दुनिया की सबसे तेज रिएक्शन से भी फोल्ड हो रहा है उसको इतना टाइम लग रहा है जितना यूनिवर्स बनने में भी नहीं लगा. तो क्या ये कैलकुलेशन ठीक है या कुछ गलती है इसमें? बताइए मुझे, इज देयर समथिंग रॉन्ग? इतना टाइम लगता है क्या प्रोटीन को फोल्ड होने में? बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स. व्हाट इज रॉन्ग विद इट? So Leventhal himself did this. ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ इस प्रोसेस को. Leventhal, a famous researcher, he did himself and he came to this conclusion कि ये जो hypothesis मैंने दी है ये कहीं ना कहीं reality से match नहीं करती है. And this he called as a paradox, which became popular on his name as Leventhal paradox. So did you understand what is the meaning of Leventhal paradox? क्या मतलब है लेवेंथल पैराडॉक्स का? ये बात समझ आई आपको? That the theoretical calculation of protein folding does not match the real situation. In theory, the folding of protein should have taken billions and trillions of years, but in reality, proteins can fold pretty much quickly
बहुत जल्दी फोल्ड हो सकते हैं प्रोटीन्स। अगर आप एक बफरिंग सॉल्यूशन ले लीजिए, उसमें आप प्रॉपर बफर बना के प्रोटीन को डाल दीजिए, अनफोल्डेड प्रोटीन को, और अगर उसका पीएच आयनिक स्ट्रेंथ सूटेबल है तो प्रोटीन बहुत जल्दी फोल्ड हो जाएगा, राइट? तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत थी, कॉन्ट्राडिक्टरी थी, एंड दैट्स व्हाई दिस वाज नेम्ड एज लेवेंथल पैराडॉक्स। सो व्हाट वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस? कैन एनीवन टेल मी क्या सॉल्यूशन था इस बात का? एनीवन प्लीज? सो इफ यू वांट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन और इफ यू आर वरीड अबाउट कि इसको पढ़ के एग्जाम में क्या फायदा होने वाला है हमें, तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम एंड फिंसन हाइपोथेसिस का ये वाला क्वेश्चन, दिस हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम, और मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूं इसका सॉल्यूशन कि लेवेंथल पैराडॉक्स का सॉल्यूशन क्या है, दैट हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन एग्जाम। एंड व्हाट इज लेवेंथल पैराडॉक्स, दिस हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो अगर आप कहीं ये डेविएट हो रहे हो कि इस सबको पढ़ के एग्जाम में क्या फायदा होने वाला है, उसका मैंने लॉजिक बताया, बट बियॉन्ड एग्जाम दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन फोल्डिंग बायोकेमिस्ट्री। सो In order to explain this, कोई आंसर बताएगा मुझे या मैं बताऊं आपको कि लेवेंथल पैराडॉक्स का एक्सप्लेनेशन क्या है? Will anyone tell me, or should I tell you? Anyone please? नहीं बताएंगे आप? So the explanation to this Leventhal paradox comes from a very, very simple thing. Bahut hi simple cheez se aata hai. And what is that simple thing? Let me tell you. Have you seen something like this? What is this? Bataiye mujhe. Ye to dekha hoga aapne. Kya cheez hai ye? So funnel. This is funnel. So what is funny about it and what is good about it to explain this whole concept? बायोकेमिस्ट्री को हम इससे समझा रहे हैं, इसमें क्या खास बात है? तो फनल में एक खास बात है, और वो खास बात क्या है कि अगर आप इस फनल के टॉप पर यहां पानी डालेंगे अगर, तो आपको क्या लगता है कि पानी ऊपर से इसके सारे पॉइंट को टच करता हुआ फिर नीचे जाएगा, या इस ऊपर से सीधे नीचे चला जाएगा अगले पॉइंट पे? आप इधर से डालेंगे तो नीचे चला जाएगा, इधर से डालेंगे तो भी नीचे चला जाएगा, आगे से डालेंगे तो भी नीचे चला जाएगा, राइट? तो अगर हम इस फनल में देखें, इफ यू एड वाटर फ्रॉम हियर, ये यहां से नीचे जाएगा ना? ऐसा तो नहीं है कि पानी पहले सारे पॉइंट्स को टच करेगा और फिर उसको जरूरी है सारे पॉइंट्स को टच करना और फिर वो नीचे जाएगा। मैं ये पूछ रहा था कि फनल में अगर हम पानी डालेंगे तो क्या वो एक कॉर्नर पर पहले पानी गिरेगा और उससे नीचे चलता चला जाएगा, या फिर वो पानी सारे पॉइंट्स को टच करेगा और फिर नीचे जाएगा? ये मैं पूछना चाह रहा था आपसे। तो आंसर दीजिए कि विल इट टच ईच एंड एवरी पॉइंट, देन इट विल गो डाउन, और जहां से आप पानी डालेंगे वहीं से नीचे चला जाएगा। अगर लेफ्ट साइड से डाला तो लेफ्ट साइड से नीचे चला गया, राइट साइड से डाला तो राइट साइड से नीचे चला गया। व्हाट इज योर आंसर? कंडीशन वन इज राइट और कंडीशन टू इज राइट? कंडीशन वन। कंडीशन वन इज राइट। ओके, सो व्हाट डज इट इंडिकेट? ऐसा क्यों होता है? इसको आप अगर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो फनल पर जो एक ही एरिया में एक ही लेवल पर जो पॉइंट्स हैं, राइट? इफ आई अगेन टेक दिस फनल एंड इफ आई शो यू दैट द पॉइंट्स व्हिच आर ऑन द सेम लेवल, जो एक ही लेवल पर इसमें पॉइंट हैं, दे कैन बी कंसिडर्ड एज द पॉइंट्स एट सेम एनर्जी। यहाँ पर जो भी पॉइंट है, यहाँ पर जो भी पॉइंट है, दे आर एट द सेम एनर्जी। इससे नीचे वाला पॉइंट उसकी एनर्जी कम, उससे नीचे और भी कम, उससे नीचे और भी कम, यहाँ पर सबसे कम एनर्जी। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट दैट वॉज यूज टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, एंड दैट कॉन्सेप्ट ग्रू अप एज, किस तरह से वो ग्रू अप हुआ कॉन्सेप्ट, दैट वॉज कॉल्ड एज फोल्डिंग फनल कॉन्सेप्ट। क्या नाम था कॉन्सेप्ट का? फोल्डिंग फनल concept. That was the explanation of Leventhal paradox. Leventhal paradox ka explanation tha wo. Kaise? Is folding funnel mein unhone ye explain kiya ki let us imagine that the folding of protein
follows an energy landscape that is like a funnel. So don't now look at this as a funnel, rather, ab aap isko kaise dekhiye? Aap isko dekhiye ek graph ki tarah. On this graph, this axis is representing to you energy. ये आपको गिब्स एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेस एंड द लोअर एक्सेस इज रिप्रेजेंटिंग यू द नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशंस. ओके, सो व्हेन अ प्रोटीन इज अनफोल्डेड, जब एक प्रोटीन अनफोल्डेड है, लार्जली अनफोल्डेड कॉन्फर्मेशन में है, सो दिस विल हैव मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, और व्हेन इट जस्ट हैज स्टार्टेड टू फोल्ड, it will have large number of conformations, and that's why this has got a very wide span. Is tarah se ek bahut wide span hai, iski chaudai zyada hai. Aur kahan par located hai ye? High energy. So what do you mean by high energy state? Which part this would be representing? Ye upper part kis cheez ko represent kar raha hoga? Folded protein ko ya unfolded protein ko? This would be representing an unfolded protein. ये एक अनफोल्डेड प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट? ऑन द अदर हैंड, इफ यू गो डाउन, जैसे जैसे प्रोटीन फोल्ड होगा, तो जब प्रोटीन फोल्ड होगा, यू कैन से देयर विल बी सम पार्शियली फोल्डेड स्टेट. कुछ पार्शियली फोल्डेड स्टेट आएंगी पहले. तो आप देख रहे हैं फनल जैसे कम चौड़ी हो जाती है, ऐसे इसकी भी चौड़ाई कम हो गई. तो चौड़ाई कम होने का क्या मतलब है? यहाँ पर बहुत ज्यादा चौड़ाई थी, यहाँ पर कम चौड़ाई है, और यहाँ पर बहुत ही कम चौड़ाई है. सो व्हाट डू यू मीन बाय डिक्रीज इन दिस विड्थ? व्हाट डज इट इंडिकेट एज यू गो डाउन? आंसर दीजिए मुझे, जल्दी आंसर प्लीज. फोल्डिंग. चौड़ाई कम होने का क्या मतलब है? इस एक्सेस पर क्या है? एक्स एक्सेस पर नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशंस, मतलब जैसे जैसे प्रोटीन फोल्ड होता जा रहा है, जो पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशंस हैं, वो कम होते जा रहे हैं. और फाइनली जब ये लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, यू कैन से दैट द लोएस्ट पॉइंट इन दिस फनल व्हिच इज एट द लोएस्ट एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज ग्लोबल मिनिमा, इसको हम ग्लोबल मिनिमा कहते हैं. दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ नेटिव कॉन्फर्मेशन. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक नेटिव कॉन्फर्मेशन, राइट? सो व्हाई दिस एक्चुअली हैपेंस, हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग अनफोल्डेड, द मीडियन एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटिंग पार्शियली फोल्डेड, और देयर इज अनदर टर्म दैट आई विल डिस्क्राइब टू यू, इज कॉल्ड एज मोल्टन ग्लोब्यूल. ये जो पार्शियली फोल्डेड स्टेट होती है, इनको हम क्या कहते हैं? मोल्टन ग्लोब्यूल बोलते हैं. ओके, एंड देन फाइनली यू हैव द ग्लोबल minima which is representing the native conformation. ye isko represent kar raha hota hai. to aisa kyun hota hai basically? to aisa isliye hota hai, let us say ki ye ek wire hai mere haath mein, agar main kahun ki ye ek peptide hai originally, to jab ye fold hona shuru hogi to iske paas kai option hai. it can start folding from this end, yahan par ek amino acid hai ye fold ho jaye, ya fir ye fold ho jaye, ya fir beech mein koi amino acid hai wo fold ho jaye, fir yahan se fold ho jaye. तो आप कह सकते हैं कि अगर इसमें 100 अमीनो एसिड हैं, तो शुरू में जब फोल्डिंग स्टार्ट होगी तो इसके पास 100 तरीके हैं फोल्ड होने के. एक ये तरीका, एक ये तरीका, एक ये, हर एक अमीनो एसिड फोल्ड होना स्टार्ट होगा. तो 100 तरीके हैं, मतलब 100 कॉन्फर्मेशन हो सकते हैं. इसीलिए इसकी चौड़ाई ज्यादा है. एक कॉन्फर्मेशन इस पॉइंट पर हो रहा है, एक कॉन्फर्मेशन जो है इस पॉइंट पर है, एक कॉन्फर्मेशन इस पॉइंट पर है, एक कॉन्फर्मेशन इस पॉइंट पर है. सो एवरी पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कॉन्फर्मेशन, राइट? जो हम बात कर रहे थे कि देयर कैन बी 3^100 पॉसिबल कॉन्फर्मेशंस. तो शुरू में बहुत कॉन्फर्मेशन होंगे, लेकिन क्या इसको सारे कॉन्फर्मेशन चेक करने की जरूरत है? अगर ये अमीनो एसिड यहाँ से फोल्ड हो गया, तो क्या ये पहले सीधा होगा, फिर यहाँ से फोल्ड होगा, ये चेक होगा, फिर ये सीधा होगा, फिर ये चेक होगा? नहीं. एक बार अगर एक जगह से फोल्डिंग शुरू हो गई, तो फिर अगली मिनिमम एनर्जी की फोल्डिंग होगी, जैसे कि फनल में पानी जो है वो डायरेक्ट नीचे जाता है. इसलिए इसको फोल्डिंग फनल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कि एक बार अगर फोल्डिंग कहीं से भी शुरू हो गई, किनारे से शुरू हो गई, बीच में शुरू हो गई, कहीं से भी फोल्डिंग शुरू हो गई, तो वो अनफोल्ड होकर दोबारा चेक नहीं होगा. मींस ऑल दीज कॉन्फर्मेशंस विल नॉट बी इवैल्यूएटेड सेपरेटली, जो सेम एनर्जी लेवल पर है,
जिनकी एनर्जी लेवल सेम है वो दोबारा चेक नहीं होंगे, उसके बाद प्रोटीन अगले कॉन्फर्मेशन पे चला जाएगा, उसके बाद और अगले पे चला जाएगा। तो प्रोटीन के फोल्डिंग की डायरेक्शन ये हो सकती है, यहाँ से स्टार्ट हो सकती है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है प्रोटीन फोल्डिंग। और जनरली ये देखा जाता है कि फोल्डिंग के दौरान सबसे पहले जो हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज होते हैं, हाइड्रोफोबिक चेन वाले, वो फोल्ड होते हैं, वो पानी से दूर भागते हैं और वहां से फोल्डिंग शुरू होती है। और उसके बाद जो एक ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट जो आप कह सकते हो, जिसमें कुछ अमीनो एसिड फोल्डेड है कुछ नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज मोल्टन ग्लोब्यूल स्टेट। तो ये बात आपको समझ आई कि फोल्डिंग फनल कॉन्सेप्ट कैसे प्रोटीन फोल्डिंग को एक्सप्लेन करता है, हाउ डज इट एक्सप्लेन प्रोटीन फोल्डिंग एंड हाउ डज इट आंसर लेवेंथल पैराडॉक्स। तो लेवेंथल पैराडॉक्स कैसे आंसर हो गई, जो हमारे 3^100 स्ट्रक्चर्स थे जिसको हमें स्कैन करना था और उसमें बहुत टाइम लग रहा था, एक्चुअली हमें इतने स्ट्रक्चर्स स्कैन करने की जरूरत ही नहीं है। ड्यूरिंग द प्रोटीन फोल्डिंग ऑल दोज स्ट्रक्चर्स विच आर एट सेम एनर्जी लेवल दे आर नेवर रिपीटेड, वो दोबारा नहीं ट्राई किए जाते हैं, बल्कि प्रोटीन फोल्डिंग कहीं से भी शुरू होके अपने नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। So if it starts from here, it will go down. If it starts from here, it will go down. So it is not necessary that protein will scan through all 3^100 conformations, but rather it will scan through a very less number of conformations. That makes protein folding very, very quick. And that answers Leventhal paradox. Itni baat samajh aa gayi aap logon ko? Yes, sir. Yes, sir. One more small question. What do chaperones do? चैप्रियंस क्या करते हैं फिर, इसमें कहां पर चैप्रियंस का क्या रोल है? तो ये जो प्रोटीन फोल्डिंग लैंडस्केप है, ये अलग अलग तरह के प्रोटीन्स के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे आप माउंटेन पे स्कीइंग करते हैं ना, तो माउंटेन पे स्कीइंग करने में अगर स्मूथ माउंटेन है, वर्टिकल स्लोप है, तो जल्दी से स्कीइंग करके कोई नीचे आ जाएगा। अगर उसमें बीच में अप हिल्स है, डाउन हिल्स है, तो टाइम लगेगा स्कीइंग करने में। तो अगर मान लो पहाड़ी कुछ ऐसी हो, इफ द हिल इज नॉट वेरी यूनिफॉर्म, if this folding funnel landscape is not uniform but it has these kind of structures, right? agar folding funnel ka landscape aisa ho, matlab protein fold hona shuru hua, ye unfolded state thi, lekin wo is jagah aake phas gaya, to ye jo dips hoti hain, these are called as local minima. matlab protein stable to hai, फोल्ड हुआ, लेकिन उतना स्टेबल नहीं है, वो कॉन्फर्मेशन अडॉप्ट नहीं कर पाया जो कि नेटिव कॉन्फर्मेशन अडॉप्ट करता है। तो जैसे स्कीइंग करते करते कोई पर्सन गड्ढे में गिर गया पहाड़ पे, नीचे तक नहीं आ पाया, तो उसको गड्ढे से निकालना पड़ेगा, फिर उसको बाहर रखना पड़ेगा, तब जाके वो पूरी स्कीइंग कंप्लीट कर सकता है। तो ऐसे ही समझ सकते हो कि जब प्रोटीन फोल्ड हो रहे हैं एंड पर्टिकुलरली इनसाइड द सेल व्हेन देयर इज अ हाईली क्राउडेड एनवायरनमेंट, सेल के अंदर बहुत ज्यादा क्राउडेड एनवायरनमेंट है, तो वहां से इस क्राउडेड एनवायरनमेंट में जो improperly folded conformations हैं, जो local minima में फंस गए हैं, उस local minima से बाहर निकाल के, क्योंकि अब उसको energy देनी पड़ेगी, वो run अपने आप spontaneously नीचे नहीं जा सकते, वो फंस गए हैं local minima में, so in order to pull out them and to bring them to this state, we need specialized proteins called chaperones and chaperonins. So this is the role of chaperones and chaperonins in the protein folding landscape or protein folding energy landscape. आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि चैप्रियंस बीकर में नहीं चाहिए आपको, बीकर में प्रोटीन फोल्ड कर रहे हो, यू डोंट नीड चैप्रियंस, हार्डली देयर विल बी लोकल मिनिमा, बट व्हेन इट हैपेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम इनसाइड द सेल, देयर इज डेफिनेटली रिक्वायरमेंट ऑफ चैप्रियंस। इट्स लाइक अ सिचुएशन, आप एलिवेटर में जा रहे हो, लिफ्ट में जा रहे हो, आपको कोट चेंज करना है अपना, यू हैव टू टेक आउट योर कोट एंड यू हैव टू चेंज दैट, तो अगर 10 लोग आपके आसपास खड़े हैं तो क्या आप आसानी से कोट चेंज कर पाओगे, हाथ खोल के निकाल के चेंज कर पाओगे? नहीं। लेकिन आप खुले रूम में हो, अपने अपने रूम में हो, ड्राइंग रूम में चेंज करना, यू कैन इजीली डू। तो वही सिचुएशन होती है सेल के साथ, क्यों कि जब आप प्रोटीन फोल्डिंग किसी इंडिपेंडेंट इनविट्रो सिस्टम में कर रहे हो, तो वहां बहुत सारा स्पेस है, प्रोटीन आराम से फोल्ड हो सकता है, बट इनसाइड द सेल द एनवायरनमेंट इज हाईली क्राउडेड, बहुत भीड़ भाड़ है वहां पर, चीजें इधर से उधर दौड़ रही होती हैं, तो वैसे में प्रोटीन फोल्ड हो रहा है तब तक किसी चीज ने उसको हिट कर दिया, सो इट इज डिफिकल्ट टू fold protein properly and that's why they get quickly filled into these local minima. wo galat fold hokar kahin reh jate hain, atak jate hain, phas jate hain, aur unko wahan se nikalne ka kaam kaun karta hai? chaperones karte hain. so the actual energy landscape may not be as smooth as this funnel
इतना स्मूथ नहीं होता है इस फनल की तरह, बट दैट हैज गॉट लॉट ऑफ अपहिल्स एंड डाउनहिल्स इन द प्रोटीन फोल्डिंग व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ऑल्टर्ड द फोल्डिंग फनल or the funnel with local minima and local maxima. So I hope this made you clear. Aapko do cheeze maine aaj discuss ki, bahut important. Ek Enfinson's dogma, jo aapko ye batata hai ki protein folding ke liye jo protein sequence hai, wo bahut important hota hai aur sari jankari folding ki sequence se hi aati hai. Aur dusri baat ki protein folding jab hoti hai, to bahut sare protein structures mein se kuch structures ko hi scan karna hota hai. And that can be explained by folding funnel concept, which answers Leventhal paradox. So that was all from my side today. मेरी तरफ से आज का यही session था. आपको यही communicate करना था. अगली class में हम देखेंगे कि protein folding के अलग-अलग levels कौन से होते हैं. That's all from my side. Thank you very much.